हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि कैनुला कैसे लगाते हैं। तो आप देखेंगे ये सारे कैनुलाज हैं, ठीक है। तो कैनुला हम कैसे पहचानेंगे, कौन सा कैनुला कितने गॉज का है। तो आपका जो कैनुला होता है इसके पीछे लिखा होता है, ठीक है, जैसे ये 24 गॉज का है, ओके। और इसका फ्लो रेट कितना होगा, 22 ml पर मिनट। ऐसे ही बाकी कैनुला के पीछे लिखा होता है कि कौन सा कैनुला कितने गॉज का है, ओके। जैसे इसके पीछे लिखा हुआ है 22 गॉज, ओके। तो ये 24 का था, ये 22 का है, ऐसे ही ये 20 गॉज का है और ये 18 गॉज का कैनुला है। अब हम देखेंगे कि आखिर कैनुला कैसे इंसर्ट करते हैं पेशेंट की वेंस में, ओके। तो आइए देखते हैं। एक पेशेंट है, उसके पेशेंट के आपके सुपरफिशियल वेंस चेक करेंगे हम। सबसे पहले टॉर्निके बांधेंगे पेशेंट के। टॉर्निके बांधने के बाद पेशेंट को बोलेंगे, ओके, कि अपना हार्ट थोड़ा मूव करे ताकि उसकी वेंस जो है सुपरफिशियल इस तरीके से हो जाए, ओके। अब उसके बाद जो आप आपकी स्पिरिट स्वैब है उससे आप क्या करेंगे, इसको प्रॉपरली क्लीन करेंगे, ओके। इसको प्रॉपरली क्लीन करने के बाद, क्लीन हम क्यों कर रहे हैं, ताकि ये प्रॉपरली स्टराइल हो जाए, उस पर कोई भी आपका सरफेस पे बैक्टीरिया हो तो वो किल हो जाए। अब हम ये कैनुला इंसर्ट करके देख रहे हैं, ठीक है, कि कैसा है। कैनुला इंसर्ट करते हैं, ओके। स्टूडेंट्स, हम एक बार पहले कैनुला के पार्ट्स देख लेते हैं। आपको पार्ट्स कैनुला के समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कैनुला के सारे पार्ट्स होते हैं, हम वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो अब आपका ये हम देखेंगे कैनुला कैसे इंसर्ट करते हैं, ओके। तो ये पेशेंट की वेन है और ये नीडल है। इसका बेवल देखेंगे आप, बेवल ऊपर है, ओके। तो बेवल ऊपर रखने के बाद अब पेशेंट की वेन में हम प्रॉपरली नीडल को इंसर्ट करेंगे, ठीक। तो नीडल इस तरीके से इंसर्ट करेंगे हम। देन कैनुला के एंड में देखेंगे हम, इधर ब्लड आ गया है, यानी कि आपका जो कैनुला है वो प्रॉपरली आपकी वेन में नीडल गई है। और इस तरीके से हम नीडल फिर निकाल लेंगे और कैथेटर पेशेंट की वेन में चला जाएगा, ठीक है। कैथेटर के पास हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे और पीछे से हम उसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद नीडल को निकालने के बाद हम इसकी जो कैप होती है इस कैप को लगा देंगे, ठीक है। कैप को लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस कैनुला को अच्छे से फिक्स करेंगे। और फिक्स करने के लिए हम माइक्रोपोर का इस्तेमाल करेंगे, ओके, ताकि आपका जो कैनुला है आपका इधर उधर मूव ना करें, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम कैनुला प्रॉपरली लगाते हैं, ओके। अब हम देखेंगे कैनुला को रिमूव कैसे करा जाता है, ओके। अगर सपोज करिए कोई पेशेंट है जिसको कैनुला रिमूव करवाना है, तो आखिर उसका कैनुला हम कैसे रिमूव करेंगे, तो आइए देखते हैं। पहले हम ये वाली टेप हटाएंगे, अंगूठा रख के ऐसे ये वाली हटाएंगे और उसके बाद कॉटन लेके कॉटन को यहाँ पुट करके और एकदम से निकाल देंगे। थोड़ी देर के लिए पेशेंट को बोलेंगे इसको प्रेस करके रखें, ओके। तो देखिए दोस्तों, हम इस तरीके से कैनुला इंसर्ट करते हैं और इस तरह से कैनुला हम रिमूव करते हैं।